तो क्या हम क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहेंगे? सालों से इसका जवाब नहीं में था। हाँ, हर कोई यही बहस कर रहा था कि क्या ये सच है, क्या हमें कुछ करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। पर फिर हर जगह लोग आवाज उठाने लगे और कहने लगे कि बस अब बहुत हुआ। हजारों लोग सड़कों पर मोर्चा निकालने लगे। आखिरकार 2015 में दुनिया भर में लगभग 200 देशों ने मिलकर एक साथ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड पर साइन किया। एक अग्रीमेंट की वे वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से नीचे रखेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब सब ठीक है? ऐसा नहीं है, अब तो असल काम शुरू हुआ है। हमें पक्का करना होगा कि वो अपना वादा निभाएं। ये अपने आप नहीं होगा। दुनिया के लिए ये जरूरी है कि हर कोई अपना काम करे। हाँ, हम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि हमारे लीडर्स सब सुलझा देंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वो कहावत जानते हो, जब लोग आगे बढ़ते हैं तब नेता उनकी सुनते हैं। पर ये कैसे मुमकिन होगा? जब लोग दुनिया बदलते हैं तो इसकी शुरुआत होती है उनके सच को अपनाने से कि आखिर उनके आसपास चल क्या रहा है। ये तो क्लाइमेट चेंज के साथ पहले ही हो चुका है। हम अब समझ रहे हैं, आज 30 साल से नीचे की उम्र के करीब 90% लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक असल परेशानी है और इसकी वजह इंसान ही है। क्योंकि मैं उम्र में छोटी हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं उनको गलत साबित करना चाहती हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज को रोक सकती हूँ। जो नुकसान होने वाला है उसका असर नौजवान लोग देखने वाले हैं, हालात जो है इसका असर सब पर पड़ने वाला है। बुरा लगता है हर दिन ये पढ़कर कि कोई प्रजाति खत्म हो चुकी है, बिना अनुमति के पाइपलाइन नदी नालों में शामिल हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज कोई बरसों बाद की दिक्कत है, पर ऐसा नहीं है, ये अभी हो रहा है, यहीं पर इसी वक्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग और देखें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये अभी हो रहा है। उन्हें परवाह है ये दिखाने के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बाहर हजारों नौजवान लोग हैं जो अभी क्लाइमेट चेंज पर चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन, अपने घर में और अपनी कम्युनिटीज में भी। सबकी आवाज मायने रखती है और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक भविष्य बना रहे हैं। अब कुछ करने का वक्त आ गया है और इसकी एक बेहतर शुरुआत होगी वोट करने से। ये हमारे नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को ये बताता है कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर हैं और इसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने साथियों को वातावरण से जुड़ी नाइंसाफी के बारे में बताता हूँ। मैंने स्टेट हाउस में नेताओं के सामने भाषण दिया था। वैश्विक क्लाइमेट स्ट्राइक ये संदेश दे रही है और हमें दुनिया का ध्यान हासिल करने में मदद मिल रही है। मैं यहाँ अपनी आवाज़ उठाने आई हूँ एक नए और बेहतर भविष्य के लिए, जो हम साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं। हर रोज के ये एक्शन सहारा और प्रेरणा देते हैं उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस बदलाव के लिए करियर और जिंदगियां भी दांव पर लगा रहे हैं। आगे बढ़ने और लीड करने के लिए कोई छोटा नहीं होता, बल्कि इस दुनिया के सबसे जुनूनी और प्रतिभाशाली लीडर्स हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं। हमें एक हरियाली भरा कल चाहिए, हमें बेहतर और कुशल ऊर्जा के सोर्स चाहिए, हमें सबके जीने के लिए एक साफ वातावरण चाहिए। हम तीक्ष्ण हैं इस जिंदगी को बनाने के लिए जिसे याद रखा जाए। अब ये हमारा वक्त है। एक साथ हम इस दुनिया को बदल सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं।